नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो इससे पहले हम लोग ने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन और ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, तो अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखा तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये बस एक सिंपल सा टॉपिक है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है और इसे बस इक्वेशन में लगाते जाना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले है, लेट अस कंसीडर ए ग्रुप ऑफ वेव्स जो कि है डी ब्रॉयल वेव्स एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल्स। तो ये जो डी ब्रॉयल वेव है ये एसोसिएट किया गया मूविंग पार्टिकल्स, मतलब इनमें मूविंग पार्टिकल्स है। तो अभी हम क्या लेते हैं, लेट साई आर कोमा टी रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स एट ए साइट आर एट टाइम टी। तो अभी कोई भी एक पोजिशन आर में एट टाइम टी के लिए हम लोग क्या पकड़ लेते हैं कि साई आर टी जो है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दो वेव्स मान लीजिए, दो वेव्स एक इधर से जा रही है और इधर से जा रही है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे ही हम लोग मानेंगे साई आर टी से। लेट अस कंसीडर दैट द वेव मोशन इज रिप्रेजेंटेड इन द क्लासिकल वेव इक्वेशन। तो क्लासिकल वेव इक्वेशन से हम लोग इस वेव मोशन को कंसीडर करते हैं जो कि है डेल्टा स्क्वायर साई इक्वल टू वन बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल्टी स्क्वायर वेयर वी इज द वेव वेलोसिटी। तो अभी इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है, साई आर कॉमा टी इज इक्वल टू साई आर ई टू टी पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये सॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, तो जैसे कि हमें वेव इक्वेशन में सॉल्यूशन पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इक्वल टू ए ई टू टी पावर माइनस आई ओमेगा टी। तो उसी से यहाँ पे आता है कि साई आर कॉमा टी इज इक्वल टू साई आर इन टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, जहां पे जो कि है साई आर जो है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो अभी इसके बाद क्या है, नाउ अभी हम लोग अगर इस इक्वेशन को डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा साई आर इन टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। और उसके बाद अगर हम इसे डबल डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है, डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई आर e to the power minus i omega t। तो अभी देखिए ये psi r e to the power minus i omega t, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिलता है, ये यहाँ पे इस इक्वेशन जो कि ये सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, psi r e to the power minus i omega t is equal to psi r comma t। तो ये जो पूरा का पूरा ये इक्वेशन है इसे हम चेंज करके लिख देते हैं psi, सिर्फ psi लिख देते हैं, तो इसलिए इसका फाइनल वैल्यू जो है वो क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। ये माइनस क्यों है, ये आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो इसके लिए जो फाइनल ये डबल डेरिवेटिव का आंसर है वो क्या है, डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। तो अब ये जो इक्वेशन टू है, इस इक्वेशन टू को हम लोग फिर से इस इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, मतलब सिर्फ इस डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर के जगह में हम यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर साई को रिप्लेस कर देंगे। तो इसे फाइनली हमें क्या मिलता है, तो फाइनली हमें ये मिलता है जो डेल्टा स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू साई। तो अभी हमें पता है कि ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू है ट्वाइस पाई न्यू, और जो वी है, वी का वैल्यू क्या है, न्यू इंटू लैम्डा, जैसे लैम्डा इक्वल टू वी बाई न्यू, तो उसी से ये इक्वेशन आता है वी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो अभी इसे हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो हमें लास्ट में फाइनली जाके जो इक्वेशन मिलता है वो कुछ ऐसा होता है, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस फोर पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू जीरो, इसे हम मार्क करते हैं इक्वेशन थ्री से। तो अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयल वेव, तो डी ब्रॉयल वेव से हमें क्या मिलता है, जो लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो अभी अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन थ्री में पुट करते हैं जो कि ये वाला है इक्वेशन थ्री, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस फोर पाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। तो हमें फाइनली ये इक्वेशन फोर में ये देखने को मिलता है। तो अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, तो अभी टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अभी यहाँ से हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अलग कर लेते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो वी है ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग ने यूज किया है, और इससे पहले जो वी था यहाँ पे, ये वी था, ये स्मॉल वी, ये वी था वेव वेलोसिटी के बारे में, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा आपको।
तो इसके बाद हमें ये सॉल्व करने से फाइनल हमें क्या मिलता है, जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, उसे हम लोग पुट कर देते हैं और फिर बोथ साइड हम लोग एम एम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड हम लोग एम से मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो जब हम लोग बोथ साइड एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एम है ये एम हो जाएगा एम स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, टू को हम इक्वल की इस पार ले आते हैं तो हमें क्या मिलता है टू इंटू एम। तो अभी एम जैसे कि हम लोग ने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो इसलिए मिल गया टू इंटू एम और ब्रैकेट में ई माइनस वी तो था ही, तो अभी हमें यहाँ से एम वी का वैल्यू मिल जाता है जो कि है रूट ओवर ट्वाइस ऑफ एम होल ब्रैकेट ई माइनस वी। तो अभी हम इस वैल्यू को इक्वेशन फोर में यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट करने से हमें फाइनली क्या मिलता है जो डेल्टा स्क्वायर साई प्लस फोर पाई स्क्वायर बाई एट स्क्वायर इंटू ट्वाइस एम होल ब्रैकेट ई माइनस वी साई इंटू साई। तो हमने सिर्फ क्या किया, ये जो एम वी का जो वैल्यू है ये एम वी, यहाँ पे जो एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग ने एम वी का वैल्यू पुट कर दिया और फाइनली हमें क्या मिला ट्वाइस ऑफ एम होल ब्रैकेट ई माइनस वी। तो इसके बाद हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने माइनस एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर इंटू ट्वाइस एम को यहाँ से हम लोग ने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने से क्या हुआ तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ से कट जाता है और ये वैल्यू यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फाइनली जो इक्वेशन, ये बस सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग इस इक्वेशन को देखिए, थोड़ा देखने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कैसे हुआ। तो इसके बाद क्या हो जाएगा जो फाइनल, तो इसके बाद जो फाइनल इक्वेशन है वो कुछ ऐसा आता है माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर बाई ट्वाइस एम इंटू डेल्टा स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। तो यार जैसे हम लोग ने ये ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया तो उसके बाद हमें ये फाइनल इक्वेशन जो है ये मिल गया। तो ये है श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, तो श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना टॉपिक और ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग भारत माता की जय।